Dear friends, according to John 10:14, the Lord says, I am the good shepherd and I know my own and my own know me. दोस्तों यूहन्ना 10:14 ये कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। What a joy it is to know that God knows us. ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर हमें जानता है। Not only that, God wants us to know Him. केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जान लें। God wants us to have a deep personal relationship with Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ गहरा व्यक्तिगत संबंध रखें। He is a good shepherd. क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। He knows you intimately. वो आपको नजदीकी से जानता है। He knows you individually. वो व्यक्तिगत रूप में आपको जानता है। He knows your heart. वो आपके हृदय को जानता है। He knows you inside and out. वो आपको अंदर से और बाहर से जानता है। That's why we rejoice in the presence of God. इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाते हैं। Sometimes we do not know about ourselves. कई बार हम अपने बारे में नहीं जानते हैं। But our good shepherd knows us very well. लेकिन हमारा अच्छा चरवाहा हमें बहुत अच्छे से जानता है। He is familiar with all our ways. वो हमारे सारे मार्गों को जानता है। This I have experienced personally. मैंने व्यक्तिगत रूप में इसका अनुभव किया है। I got married when I was 21 years old. जब मैं 21 साल की थी तब मेरी शादी हुई, जानते हैं? I was so young and I was so timid. मेरी उम्र बहुत ज्यादा कम थी और मैं बहुत ज्यादा डरती थी। All my family members, my husband's parents, they were serving God. मेरे पति और इनके माता-पिता सब प्रभु की सेवकाई करते थे। But then my husband's parents said, "Let this girl be a daughter to us." तब मेरे पति के माता पिता ने कहा कि ये लड़की हमारी बेटी हो जाए। We don't mind even if she doesn't serve God. अगर ये प्रभु की सेवा नहीं भी करती है तो भी कोई बात नहीं। Let her be in this house just like our daughter. लेकिन ये हमारी बेटी के जैसे इस घर में रहेगी। But God had a different plan. लेकिन प्रभु की कुछ अलग योजना थी। But allowing so many afflictions in my life, the Lord brought me closer to God. जब मेरे जीवन में बहुत सी मुश्किलें आने लगी, इनसे मैं प्रभु के बहुत करीब आ गई। प्रभु ने मुझे अपने करीब लाया। Even I did not know about myself. यहाँ तक कि मैं अपने बारे में भी नहीं जानती थी कि मैं कैसी हूँ। Prophecies were spoken about me that I would be serving the Lord in future. मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि मैं भविष्य में प्रभु की सेवा करूंगी। But then I didn't believe that. लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। But then the Lord beautifully led me to serve the Lord. फिर परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से अपनी सेवा के लिए मेरी अगुवाई की। One after the other, I went through affliction. एक के बाद एक परेशानियों में से मैं होकर जा रही थी। Through my afflictions, the Lord comforted me by being with me intensely. मेरी मुश्किलों में भी प्रभु मेरे साथ रहकर मुझे तसल्ली देता था, अपनी शांति देता था। Through the afflictions, the Lord came so closer to me. इन परेशानियों में, मुसीबतों में प्रभु मेरे बहुत ही पास आ गया। And today he is such a good shepherd to me and he is leading me to serve the Lord mightily. आज वो मेरा अच्छा चरवाहा है और सामर्थी रीति से परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मेरी अगुवाई करता है। The more I went through in my life, the more I realized that God is with me so close. अपने जीवन में मैं जितनी ज्यादा परेशानियों में से होकर गई, उतना ज्यादा मैंने जाना कि परमेश्वर मेरे बहुत करीब है। And today the Lord is using me to give revelations to people. प्रभु आज मेरा उपयोग कर रहा है कि मैं लोगों को उसका प्रकाशन बता सकूं। And through God's word that would be coming out of my mouth, people are blessed today. मेरे मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग बहुत सी आशीष पा रहे हैं। Today God has made me to know
him more. प्रभु ने आज मुझे ऐसे बना दिया है कि मैं उसे और ज्यादा जानूं। As the Bible says, through many tribulations you have to enter into the kingdom of God. जैसे बाइबल बताती है कि बहुत से क्लेशों के बाद में तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। Even today, as I used to minister before thousands of people, the Lord stands with me and strengthens me and does miracles. आज जैसे मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए हजारों लोगों के सामने जब खड़ी होती हूँ, परमेश्वर मुझे बल देता है और चमत्कार करता है। If God could use such a timid person like this, how much more the Lord would be using you? परमेश्वर एक ऐसे डरपोक व्यक्ति का उपयोग कर सकता है तो परमेश्वर आपका कितना उपयोग कर सकता है। May the Lord make you to know God more in the days to come. परमेश्वर ऐसा करे कि आने वाले दिनों में आप लोग परमेश्वर को बहुत ज्यादा जानने वाले हो जाएं। Father, let your hand come upon your people who are listening to me even now. पिता, इस समय मेरी आवाज सुनने वाले लोगों के ऊपर तेरा हाथ आ जाए। Lord, the same hand that carried me and that used me in the ministry, Lord, let the hand come upon your people to use your people also. प्रभु, जो हाथ मेरे ऊपर आया और मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, वही हाथ इनके ऊपर भी आए और इन्हें सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। Make them know that your children are yours, O God. ये लोग जानने पाए कि तेरी संतान तो तेरी ही है। Make them know that you know them personally, O God. ऐसा कर प्रभु कि ये तुझे व्यक्तिगत रूप में जानने पाए। Give them your leading. इनकी तू अगुवाई कर। Give them your guidance. तू इनका मार्गदर्शन कर। And make them into a great nation. और इन्हें एक बड़ा देश बना दे प्रभु। Father, lift them up to greater heights, O God. पिता, तू इन्हें महान ऊंचाइयों पर उठा। Help them to grow more in you, O God. ये तुझ में और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। Lord, touch them even now as they are listening. अभी जैसे ये सुन रहे हैं, इसी समय इन्हें छू ले। Father, let goodness be poured into their lives, Lord. पिता, इनके जीवन में तेरी भलाई उंडेल दी जाए। And make them know that you're a good shepherd. और ये जानने पाए कि तू एक अच्छा चरवाहा है। Never stop doing good to your children, Lord. अपनी संतानों के साथ कभी भलाई करना नहीं रुकता। Let your people taste and see that you are good, O God. तेरे लोग तुझे चक्कर देखें और जाने कि तू तो भला परमेश्वर है। Fill them with your goodness. अपनी भलाई से तू इन्हें भर दे। Fill them with your abundance, O God. इन्हें तू अपनी बहुतायत से भर दे। And prosper your people. अपने लोगों को संपन्न कर। In Jesus name. यीशु के नाम में। God bless you, friend. प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों।